मुंबई में रेसिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल आज भी जारी रहेगी और इससे मरीजों को होने वाली मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। सरकार की तरफ से हड़ताल कर रहे डॉक्टरों को मनाने की कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। डॉक्टरों का कहना है कि जब तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए जाएंगे वो काम पर नहीं लौटेंगे। हमारे डिमांड्स अलग नहीं है, हमारे डिमांड्स वही है। इस बार इम्प्लीमेंटेशन का उन्होंने प्रॉमिस दिया है, तो जब तक इम्प्लीमेंटेशन कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स छोड़ के, अगर जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, हम हमारा जो भी मास बंक है वो कंटिन्यू रखेंगे। जेजे अस्पताल से शुरू हुई ये हड़ताल अब मुंबई के अन्य अस्पतालों तक पहुँच गई है। कल जेजे अस्पताल के डॉक्टरों के समर्थन में सायन अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने भी ओपीडी बंद रखी। सायन अस्पताल के डॉक्टर्स की हड़ताल आज भी जारी रहेगी। इसके अलावा सेंट जॉर्ज, जीटी हॉस्पिटल, कामा हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने भी आज हड़ताल का ऐलान किया है। मुंबई के जेजे अस्पताल में 19 मई को एक मरीज की मौत के बाद उसके घर वालों ने डॉक्टरों से मारपीट की थी, जिसके बाद से डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं।